नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आरआरबी के द्वारा एएलपी के जो फॉर्म है वो चालू है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपका जो टेक्नीशियन का है वो इसी महीने फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोनों का सिलेबस एकदम लगभग सेम होने वाला है, लगभग जैसा पिछली बार था वैसा ही इस बार भी होने वाला है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अभी जो आप तैयारी कर रहे हो, इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या आप लोग लक्ष्य रखो। क्योंकि जब भी कोई आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली जो चीज होती है बच्चों वो ये होती है कि आप लोग सेफ स्कोर क्या लेके चल रहे हो, एक जो जो टारगेट लेके चल रहे हो वो टारगेट क्या होना चाहिए क्योंकि वही आपका क्या दिलाता है, सिलेक्शन दिलाता है। एक सही टारगेट और उसके पीछे सही मेहनत, सही रणनीति आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। टीम परीक्षा प्लस आरआरबी की एएलपी टेक एनटीपीसी ग्रुप डी बहुत बेहतरीन, सारे बैचेस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराने वाली है। आते हैं हम लोग इस पूरे सेशन में बात कर रहे हैं कि एएलपी 2024 में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, साइको टेस्ट का क्या रोल है, क्या इस पे बच्चे वाकई में छट जाते हैं, क्या इसे वाकई में नहीं क्लियर कर पाते हैं, टी स्कोर क्या है यहां पे, बैटरी टेस्ट क्या है और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है। आपका ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो, शायद आपको ये वीडियो देखने के बाद अब कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी टीम परीक्षा पर इसका बहुत बेहतरीन कोर्स चला रही है जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का सीबीटी 1 सीबीटी 2 मिला के मात्र 499 है। या परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिनमें ये सारी आपकी किताबें भी दी जा रही हैं जो आपके पीडीएफ के फॉर्म में होंगे। आते हैं हम लोग बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले सेफ स्कोर की बात करते हैं। और सेफ स्कोर हम लोग को एक प्रोजेक्शन करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पूर्व में क्या कट ऑफ गया है, इससे पहले कट ऑफ क्या गया है, कितना आपका कॉम्पिटिशन रहा है, उसके आधार को बनाते हुए, उसको बेस को लेते हुए और इस बार आपका कॉम्पिटिशन क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। पहले जो वैकेंसी थी बच्चों वो टोटल अगर एएलपी और टेक्नीशियन का मिला लीजिए 27,000 वैकेंसी थी, और पिछली बार अगर कट ऑफ देखा जाए तो सीबीटी 1 का लगभग 40 से 42 के आसपास था। लगभग ऑन एवरेज कट ऑफ की बात करूं तो 40-42 नंबर, किसमें 75 क्वेश्चन में और उसके बाद सीबीटी 2 में बच्चे आए थे। इस बार सीन बिल्कुल अलग है। पहली बात तो एएलपी की वैकेंसी अलग है, टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग है। दूसरी बात, जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, एएलपी की देखा जाए तो 1/3 वैकेंसी है पिछली बार की अपेक्षा। हालांकि टेक्नीशियन जब आएगी तो लगभग पिछली बार से थोड़ी ज्यादा ही वैकेंसी इस बार टेक्नीशियन की है। अभी ये कट ऑफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सीबीटी 2 का है और आप देख सकते हो ऑन एवरेज 53, 68, 59 अलग अलग जोन का। मिनिमम जो आपका गया था वो लगभग 40 के आसपास गया था और मैक्सिमम जो गया था वो 70 के आसपास गया था। ये जो स्कोर बनता है सीबीटी 2 का, ये बनता है आपका पार्ट ए सीबीटी 2 से। एक बार आप लोग को पैटर्न ना पता हो तो मैं पैटर्न आपको एक बार इन शॉर्ट समझा देता हूं सारी चीजें कि किस प्रकार से आपका बनता है, फिर हम लोग बात करते हैं। आपका जो होगा पेपर 3 चरण में होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी। आपको सेफ स्कोर की मैं जो बात कर रहा हूं वो कहां पे कर रहा है, वो सीबीटी 2 के पार्ट ए में। मतलब आपका जो स्कोर जुड़ने वाला है यहीं से जुड़ने वाला है। इसका आपका 70% मार्क्स आपका यहां पे और 30% मार्क्स आपका सीबीएटी में। इन दोनों को मिलके आपका 100 में कट ऑफ बनेगा। हालांकि जो आपका यहां पे जो बच्चे होते हैं एक एवरेज होते हैं, क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग ही होता है, यहां पे क्वालिफाई ही करते हैं, बहुत ज्यादा अंतर होता है, आधा एक नंबर का होता है। ये जो आपका सीबीएटी होता है ये आपके मेरिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, इसको भी मैं आपको समझा रहा हूं। मेरिट में आपका जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो आपका क्या होगा, सीबीएटी का जो पार्ट ए है जो आपका 100 क्वेश्चन होने वाला है, 90 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1/3 निगेटिव होगा। इसमें आपके 3 पार्ट, पहले 4 पार्ट पूछते थे, जैसे पहले 4 पार्ट आपका सीबीटी 1 में होता था वही 4 पार्ट आपका यहां पर होता था। बट इस बार एएलपी में इन्होंने क्या दिया, जीके और करंट अफेयर्स को निकाल दिया है, मतलब केवल आपका मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ही पूछा जाएगा। अब अगर इस पे आधार पे बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन होता है और इसमें पहले पिछली बार क्या था, पिछली बार आपका करंट अफेयर्स और जीके वाला पोर्शन भी था, जिसके कारण से अगर देखा जाए तो ये जो आपका कट ऑफ रहा है 68, 53, 66, 40, 40 ये सब आप देख सकते हो। मैक्सिमम 69-70 के आसपास रहा है और मिनिमम लगभग 40 में, जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं। ऐसे आपका ओबीसी का लगभग सेम रहा है, एससी और एसटी का 3-3, 4-4 नंबर कम था। जैसे जहां पे 40 से मिनिमम हुआ उस जोन में 25 नंबर भी कई जगह आपके एसटी के देखे गए थे। तो लगभग एसटी में 15 नंबर का फर्क, एससी में लगभग 10 नंबर का फर्क, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अब क्या यही कट ऑफ रहने वाला है इस बार भी 2024 की वैकेंसी में,
मैं बोलूंगा बिल्कुल ना। पहली बात तो ये जो आपकी ये जो आपका कट ऑफ देख रहे हो 2018 का कट ऑफ है, जो आपका एएलपी टेक्नीशियन का एक साथ वैकेंसी आई थी 27,000 वैकेंसी उस बार थी। पहली बात तो वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, दूसरी बात दोनों पेपर कंबाइन था, तीसरी बात देखा जाए तो सीबीटी 2 में करंट अफेयर्स और जीके का भी पोर्शन था, जिसकी वजह से ये कट ऑफ कहीं ना कहीं एक बहुत गलत भी साबित हो सकता है अगर 2024 की बात किया जाए। दूसरी बात यह है कि अभी पेपर हुआ नहीं है, पेपर जब होगा पेपर का लेवल कैसा होगा उसके आधार पे कट ऑफ होगा। तो मैं कट ऑफ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आपका जो प्रोजेक्शन जो स्ट्रेटजी की बात होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग को स्कोर अपना टारगेट बना के रखने चाहिए, उस हिसाब से हम लोग का क्या स्कोर होगा उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए यहां पर मैक्सिमम बात किया जाए 69 नंबर, क्या इस बार 69 नंबर जो 70 नंबर पिछली बार गया था, लगभग 99 वैकेंसी तब थी, ऐसे बहुत सारे जोन है जिसमें 100 के आसपास वैकेंसी इस बार भी है, क्या जो 100 के आसपास वैकेंसी है उसका जो कट ऑफ या बोल सकते हो कि सीबीटी 2 का जो स्कोर रहेगा पार्टी का 70 के आसपास रहेगा, या मिनिमम 40 गया था ऐसी जगह पे देखा गया था जहां पे वैकेंसी 3000 अगर देखो 2000-2500 के आसपास था तो वहां पे भी 59-60 नंबर था, बट 450-500 के आसपास थी वैकेंसी वहां पे भी 40 नंबर था। बहुत सारे जोन इस बार भी है जहां पे 250-300-400-500 के आसपास वैकेंसीज हैं, इसमें आप आराम से देख सकते हो। और क्या वहां पे कट ऑफ 40 रहने वाला है, यहां पे भी नहीं। पहली बात तो पिछली बार क्या था कि करंट अफेयर्स जीके और इनके जब सेक्शन होते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन तब भी 10 क्वेश्चन केवल था तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं क्रिएट करेगा, बट उसकी वजह से इस बार कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि जो आपका सीबीटी 2 का सेक्शन है इसमें आपका करंट अफेयर्स और जीके हटा दिया गया है। यहां पे बच्चों के मार्क्स कम होते हैं वो अब क्या करेगा कट ऑफ को बढ़ाएगा, यानी कि अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तीनों ही पार्ट आपके क्या है स्कोरिंग पार्ट है। पहला पैरामीटर ये इसको आपका जो कट ऑफ है इस बार ज्यादा रहने का पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि इस बार वैकेंसीज बहुत कम है जिसके चलते आपका क्या हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है वो भी ज्यादा जा सकता है ये। और तीसरी बात ये है कि कंपटीशन का लेवल 2018 से 2024 में बहुत बड़ा अंतर है, एज रिलैक्सेशन भी मिला है बच्चों को, तो जाहिर सी बात है इस बार नंबर ऑफ फॉर्म भी ज्यादा होंगे और बच्चे लगातार तैयारी भी करते आ रहे हैं, इस बार रिसोर्सेज भी बच्चों के पास ज्यादा हैं, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से बच्चे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, तमाम रिसोर्सेज हैं और पहले की अपेक्षा अब ज्यादा उनके पास कंटेंट भी है, तो कहीं ना कहीं इस बार आपका स्कोर ज्यादा रहने वाला है। बट एक बात आप ध्यान देखो कि 100 में 70 अगर 100 में 70 यहां पे निगेटिव मार्किंग 1/3 है, क्या 70 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है तो क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा? हाँ बात बिल्कुल सही है। अब मैं एक बार आपको बात कर लेता हूं कि CBT 1 CBT 2 और CBAT सब मिला के आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। सारी चीजों को अगर दिमाग में रखा जाए बच्चों तो कम से कम अगर CBT 1 का अगर बात किया जाए जहां पे पिछली बार 40 से 42 नंबर, क्योंकि ये टोटल 75 होता है, इस बात को ध्यान देना 75 क्वेश्चन में एक घंटे में। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 75 में 75 ही बच्चे सही करेंगे क्योंकि यहां पे करंट अफेयर्स जीके का भी सेक्शन है, मैथ रीजनिंग साइंस का भी सेक्शन है और सबसे बड़ी बात है कि समय केवल एक घंटा होता है। बट मैं ये भी कहूंगा कि आप किसी को कम मत समझिएगा, हर बच्चा तैयारी कर रहा है और बेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है तो वो मैक्सिमम करने का प्रयास करेगा। अब 75 क्वेश्चन में कितना भी आसान पेपर आ जाएगा एक बात को ध्यान देना, कम से कम 10% क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं, मतलब 7.5 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे, 7.5 तो क्वेश्चन ही, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे, और उसमें अगर 1/3 निकाला जाए तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन उसका भी जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन वो पीछे आएंगे। तो 75 में मैक्सिमम कितना भी जाएगा 65 जो टॉपर का स्कोर होगा वो 65 होगा। तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है, सेफ स्कोर अगर आपको लेके चलना है तो मैं इतना बोलूंगा इस बार सीबीटी 1 में 55 प्लस आप लोग टारगेट करके चलना है, अन्यथा हो सकता है कि दिक्कत हो जाएगी आगे। सीबीटी 2 में क्योंकि बेटा क्या होता है ये 100 क्वेश्चन का है, इसका 70% जुड़ेगा, बट फिर भी अगर मैं 100 क्वेश्चन की बात करूं, इस बार करंट अफेयर्स और जीके भी नहीं है तो भी मैथ्स रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ये सारे पार्ट आपके, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में भी केवल फिजिक्स आप समझिए, 12th तक का फिजिक्स या आप डिप्लोमा के पहले सेमेस्टर या इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर तक का आप केवल फिजिक्स समझिए, इससे ज्यादा फिजिक्स आपका नहीं पूछा जाता है। तो वो भी आपका मैथ्स रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की अगर बात किया जाए तो यहां पे स्कोर आपके बच्चों के बढ़ेंगे। इस बार वैकेंसीज भी कम है, पिछली बार 70 तक पहुंचा भी है, तो इस बार भी आप मान के चलना कि 100 में आप कम से कम 70% से 75% आप किसी भी
किसी भी जोन से भरो। अगर आप किसी ऐसे जोन से भर दिए हो जहां पे वैकेंसीज बहुत कम है तब तो ये टारगेट ज्यादा जा सकता है, बट ऑन एवरेज देखा जाए तो आपको 70-75%, जहां पिछली बार 40-40 भी चला गया था, इस बार शायद वो केस देखने को नहीं मिलेगा। इस बार शायद ही ऐसा कोई जोन हो जहां पे 70 या 65 से 70 के बीच में हो, सब इसके ऊपर ही रहेंगे। तो आपको ये लेके चलना है, मान के चलना है कि सीबीटी 1 में 55+, क्योंकि यहां का 15 गुना बच्चा, टोटल वैकेंसी का 15 गुना बच्चा सीबीटी 2 में जाएगा। 5,696 वैकेंसीज है, 15 से गुणा करोगे तो 85,440 लगभग में वैकेंसी जो बच्चे होंगे वो सीबीटी 2 में आएंगे, और यहां से आपके लगभग 8 गुना लगभग आपके 45,000 बच्चे कहां पे जाएंगे, सीबीएटी में जाएंगे। सीबीएटी में आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि 5 बैटरी टेस्ट, ये बैटरी टेस्ट क्या होता है, स्कोर टेस्ट क्या होता है, तो उसको मैं एक बार मोटा मोटा दिखा देता हूं। कुछ इसमें सीबीएटी में कुछ नहीं होता, ये 5 टाइप के सेक्शन होते हैं, मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, और यहां पे परपेचुअल स्पीड टेस्ट। ये आपको क्या होता है कि चीजें याद करनी होती हैं आप पहले 2 मिनट में 3 मिनट में, और फिर अगले 2-3 मिनट में उसी का उत्तर देना होता है। इसको जब आपका पहला स्टेज और दूसरे स्टेज आप क्लियर कर लोगे तो मैं पूरा आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या रहा, सीबीएटी रहा। तो अभी आपको ये स्कोर लाना है, तो सबसे बड़ी बात आपने ये बता दिया, आपके दिमाग में सर आपने बता दिया कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, इसको हम लाएं कैसे, इसको हम स्कोर कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको इतना बोलूंगा कि आप देखो मैथ्स यहां पे भी है, रीजनिंग यहां पे भी है, और यहां पे फिजिक्स है, यहां पे फिजिक्स है केवल और केवल। अगर यहां पे जो साइंस है, यहां पे साइंस केवल 10th लेवल का होगा, बट यहां पे फिजिक्स आपका 12th है, उससे थोड़ा अपर लेवल का भी पूछा जाएगा। मैं इतना आपसे बोलूंगा कि अगर ये आप स्कोर करना चाहते हो तो आप अपने दो विषय, एक मैथ्स को और एक रीजनिंग को, और एक तीसरा विषय जिसे आप बोलते हो फिजिक्स, फिजिक्स आप कम से कम ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। इस बार फिजिक्स आप 12th लेवल का नहीं, सीबीटी 1 का भी पहले देने जा रहे हो, तो कम से कम पहले 10th लेवल का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर इतना कर लिए तो सीबीटी 1 में इसमें 20, मैथ्स में 25, और उसके बाद अगर फिजिक्स कर लोगे तो 45, और फिजिक्स के 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 52 क्वेश्चन, 50+ क्वेश्चन आप केवल इन 2-3 विषय से कर सकते हो। और सीबीटी 2 में अगर केवल इतना ही बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, इस पे और प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस बार चांसेस 2 बन रहे हैं कि 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के पूछे जाएं, क्योंकि 100 होगा, 50 यहां पे पूछे जाएं, 25-25 यहां पे पूछे जाएं, जो सबसे ऑप्टिमम चांस है 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग और 40 बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। जो भी केस होगा, अगर आप इस चीज को कर लेते हो तो यहां पे अगर 25-25 पूछा जाएगा तो 50, और अगर 30-30 पूछा जाएगा तो 60, मतलब 50 से 60 तो केवल आप मैथ्स प्लस रीजनिंग से कर लोगे। और अगर फिजिक्स केवल 10th लेवल तक तैयार है तो कम से कम इसमें अगर देखा जाए तो ये जो 40 क्वेश्चन होंगे इसमें 15+ क्वेश्चन 10th के स्टैंडर्ड पे ही पूछा जाता है, मतलब अगर आप देखो तो ये 15+ और जोड़ दो तो आपका 65 से लेके आपका 75+ तक केवल इसकी सेम तैयारी में कर सकते हो। अब आपके पास बचता है बाकी के पार्ट, जैसे बेसिक इंजीनियरिंग वाले पार्ट होते हैं जिसमें आपका ईडी वगैरह आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह आता है, इन सबको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो इस स्कोर को किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, आप इन्हीं चीज को बार बार पढ़ो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो और मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ताकि जो चीज आप पढ़ लो वहां से आपका स्कोर ना जाए। और इसको पढ़ाने के लिए, इसकी तैयारी कराने के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन कोर्स भी चला रखी है जिससे आप जोड़ सकते हो। ये सारे ही नोट्स, आपकी जो किताबें हैं ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, और इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम की डेट तक रहेगी, मतलब कि आपके साइको टेस्ट की तक आपकी क्या रहेगी, इसकी वैलिडिटी रहेगी, मान के चल सकते हो कि 1 से 1.5 साल। तो ये आपका बहुत बेहतरीन आपका कोर्स होने वाला है, एएलपी और टेक्नीशियन का एक साथ मातचा सुनाने में। आप इसे जुड़ सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई प्रश्न है तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं इस पे आप कॉल कर सकते हो, और कोई भी मदद आप टीम परीक्षा प्लस से ले सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।